हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे कि उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, आगे, और प्रत्यय पीछे। तो आज हम व्याकरण में संज्ञा और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो याद करने वाली चीज है ना, तो वो हम याद कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण वगैरह आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो पुरानी बुक थी है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म की बुक, उसी में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है 11 नंबर के पेज में, है ना। यहाँ पर दिया है कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है ना। ये पहला वाक्य दिया है, ये देखिए बुक, और अभी बुक, कल से हम आपको सेकंड टर्म की बुक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आज भर ग्रामर देख लीजिए। वाक्य एक में लिखा, स्वामी विवेकानंद देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानवता के पुजारी थे। तो सेकंड वाक्य में क्या लिखा है, स्वामी विवेकानंद अपने देश को प्रेम करने वाले, भाषण देने वाले, विचार करने वाले, लिखने वाले और मानवता के पूजा करने वाले थे। तो अब बताइए, बोलता है इसमें कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, किस वाक्य को पढ़ना समझना सरल है। फर्स्ट वाक्य क्या है, छोटा है तथा पढ़ने में आसान है, सरल है। और सेकंड वाक्य जो है, लंबा तथा पढ़ने में, समझने में कठिन है। तो दोनों वाक्यों में एक जैसी बात कही गई है। जहां पहले वाक्य में बात विशेषता बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वहीं दूसरे वाक्य में उसी बात को अनेक शब्दों में बताया गया है। जैसे देशभक्त अर्थात देश को प्रेम करने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला। समझ गए बच्चों? तो वाक्यांश की क्या परिभाषा हो गई कि भाषा को प्रभावशाली व सहज बनाने के लिए अनेक शब्दों में कही जाने वाली बात को एक शब्द में कहा जाता है। अनेक शब्दों में कही जाने वाली बात को एक शब्दों में कहा जाता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए, पेज पर रख लीजिए, 12 नंबर का पेज। जैसे बालों को काटने वाला क्या कहलाएगा, नाई, है ना। तो अपन बोलते हैं कि बालों को काटने वाले के पास जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, नाई के पास जा रहे हैं, बाल कटवाने जा रहे हैं, है ना। जूतों की मरम्मत करवाने जा रहे हैं, है ना। किसके पास जा रहे हैं, मोची के पास जा रहे हैं। मोची बोलेंगे तो समझ जाएगा कोई भी इंसान की क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, है ना। अब देखिए संज्ञा, है ना। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये वस्तु है ना। ये सब किसके अंतर्गत आ गए, संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं प्रकार में। अगर मुख्य रूप से पूछा तो तीन, है ना। और अगर बोला कि खाली प्रकार बोला तो पांच, ठीक है। मुख्य रूप से तीन, सबसे पहले व्यक्तिवाचक, सेकंड में जातिवाचक और थर्ड में भाववाचक, ठीक है। ये थर्ड में हो गया भाववाचक, है ना। तो ये जो जातिवाचक है, इसके दो और प्रकार हैं। फर्स्ट में द्रव्यवाचक और सेकंड में समूहवाचक, ठीक है। ये है। तो अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का पता चलता है, यानी कि विशेष व्यक्ति का पता चलता है। जैसे हमने बोले महात्मा गांधी, है ना, या किसी का नाम ले रहे हैं। जैसे बोले रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बोलेंगे अगर लड़का पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। यदि किसी का नाम रहेगा, कोई भी पेन है, वस्तु है किसी भी, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत जिसमें नाम नहीं रहता, है ना। जैसे बोले नदी, तो जातिवाचक में आएगा, और व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, गंगा नदी, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए भाव, है ना, जैसे हमारे भाव, क्रोध का भाव, दुख का भाव, सुख का भाव, ये सब आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है ए, फोर्थ नंबर का बोलेंगे, या फिर इसके दो प्रकार में द्रव्यवाचक। किसी द्रव्य पदार्थ का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, घी, अनाज आदि,
जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों और धातुओं का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के या वस्तुओं के समूह का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, मंडली, झुंड, है ना, जैसे वो व्यक्तियों की भीड़ जा रही है या भीड़ जा रही है बोलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आया? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम पूछते हैं, किसान खेती करता है ना। यहाँ पर एक मिनट और बता दे रहे हैं, ये अब भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, यानी ये जो भाववाचक संज्ञा ये इस प्रकार से आते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे इसको? देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम में भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 15 नंबर के पेज में कि जातिवाचक संज्ञा में शब्द क्या है? कारीगर और माता। तो भाववाचक संज्ञा में क्या बन जाएगा? कारीगरी, मातृत्व। फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगा तो निज का क्या हो जाएगा? निजता, और अपना का अपनत्व। विशेषण में सरल और अच्छा है ना, तो भाववाचक संज्ञा में क्या बन जाएगा? सरल का सरलता और अच्छा का अच्छाई। क्रिया, चुनना और हारना क्या है? दोनों क्रिया है ना, तो चुनना से चुनाव बन जाएगा भाववाचक संज्ञा में और हारना से हार बन जाएगा। अब किसान खेती करता है तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? किसान, और भेद कौन सा है? जातिवाचक, ठीक है। भेड़ जंगल से लौट रही है तो यहाँ पर भेड़ और जंगल क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये कौन सा है? जातिवाचक। हम ताजमहल देखने जा रहे हैं तो ताजमहल क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये कौन सा है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। बाजार में बहुत भीड़ है, बाजार और भीड़ क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये क्या है? जातिवाचक, ठीक है। भीड़ की वजह से हम ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। फिर रेशमा, मीना और भारती विद्यालय जा रहे हैं, तो रेशमा, मीना, भारती ये क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो सोना क्या हुआ? संज्ञा, और ये कौन सा पहचान है इसकी? द्रव्यवाचक। रामलाल शीघ्रता से स्टेशन पहुंचे, तो रामलाल क्या है? संज्ञा, और ये व्यक्तिवाचक। नेहा बहुत सारा सामान लेकर घर लौट रही है, नेहा, सामान, घर, ये सब संज्ञा शब्द है, और ये नेहा क्या है? व्यक्तिवाचक। सामान और घर क्या है? जातिवाचक, ठीक है। सीमा को अंधेरे से डर लगता है, तो सीमा क्या हो गई? सीमा और डर क्या है? संज्ञा, और ये व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सीमा हो गया व्यक्तिवाचक, और डर क्या हो गया? भाववाचक। बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो बच्चे और फुटबॉल संज्ञा शब्द है, और ये क्या है? भेद में जातिवाचक। बच्चे जातिवाचक में आ गया, फुटबॉल व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से हमको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर दिया है, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदली। सज्जन का सज्जनता, भाई का भाईचारा, उड़ना का उड़ान, लंबा का लंबाई, घबराना का घबराहट, अहम का अहंकार, मीठा का मिठास, निकट का निकटता, मधुर का मधुरता, शिशु का शिशु, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये बुक तो हो गई आपकी, अभी प्रैक्टिस बुक से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर भी ये अपनी बार की जो बुक है तुम लोगों की करने की, उसमें मेरी बारी में 4 नंबर का पेज है ना, 4 नंबर का पेज निकालिए। अब यहाँ पर दिया है, दी गई वर्ग पहेली को पूरा कीजिए, तो चारों ओर चक्कर लगाना। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है परिक्रमा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो फिर परिक्रमा लिखेंगे। महीने में एक बार होने वाला है मासिक, जो पुरुष कविता लिखता हो कवि, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसमें रस ना हो नीरस, जो समाज की सेवा करता हो समाज सेवक, जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री। अब ये जो यहाँ पर पहली भरने के लिए कहा, तो उसमें हमको भरना है सबसे पहले वाले में परिक्रमा, फिर माँ से मासिक, क से कवि, वी से विश्वसनीय, नी से नीरस, स से समाज सेवक, और क से कवित्री। इस प्रकार से आपको भरना है। अब देखिए इसमें मेरी बारी 3 में भाववाचक संख्या पर गोला लगाओ। संस्कृति, संस्कृत, संस्कार, संस्कार भाव, अहम, अहंकार, अहंकारी, तो अहंकार भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता क्या है? भाववाचक संज्ञा। कुशल, कुशलता, कुश कौशल, ये कुशलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चुनना, चुनाई, चुनाव, तो चुनाव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद खोज, खोज, खोजना, खोज, खोजी, तो खोज क्या है? भाववाचक संज्ञा। जागना, जाग, जागरण, जागरण क्या है? भाववाचक संज्ञा। लाल, लालिमा, लालसा, तो लालिमा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब बोला है इसमें, तालिका में दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं,
तो इसमें देखिए अध्यापक ने बच्चों को अपने पास बुलाया तो अध्यापक और बच्चे संज्ञा शब्द हो गए। ग्राहक ने दाल खरीदी, ग्राहक और दाल क्या है, संज्ञा शब्द है। विकास ने गणित के प्रश्न सरलता से हल कर लिया तो विकास और गणित क्या है, सरलता, ये सब संज्ञा शब्द है। सोहन, अब इसमें पूछा नहीं है कि कौन सा प्रकार है तो हम खाली नाम देंगे, है ना। सोहन और विशाल देहरादून घूमने गए तो सोहन, विशाल और देहरादून संज्ञा शब्द है। मीनाक्षी के परिवार में चार सदस्य है, मीनाक्षी और परिवार क्या है, संज्ञा शब्द है। तो मीनाक्षी अगर बोले तो व्यक्तिवाचक और परिवार बोले तो समूहवाचक, ठीक है। पथिक को प्यास लगी, परिवार को समूहवाचक क्यों बोलेंगे, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। प्यास, पथिक को प्यास लगी है, पथिक और प्यास। शेर को अपनी ओर आता देख शिकारी घबरा गया, शेर और शिकारी। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, दादाजी और पार्क। अब देखिए मेरी बारी पांच, दिए गए वाक्यों की संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हम सोमवार के दिन ताजमहल देखने गए थे, तो के दिन के अलावा क्या आएगा, हम सोमवार को ताजमहल देखने गए। सेकंड क्वेश्चन है, वह कान से बहरा है, तो वह क्या लिखेंगे, कान से ही रहते हैं, है ना। तो कान ना लगा के हम क्या लिखेंगे, वह बहरा है। शेर चिंघाड़ता है, तो शेर चिंघाड़ता तो नहीं है, है ना, क्या करता है, दहाड़ता है, तो चिंघाड़ता की जगह क्या जाएगा, दहाड़ता है। रामू उसका बालक है, तो बालक की जगह पुत्र है, है ना। दादाजी, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, दादाजी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो दादाजी बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी के अंतर्गत ही व्यक्ति आ जाएगा। कुत्ता दहाड़ता है, कुत्ता दहाड़ता है क्या बताइए, नहीं, क्या करता है, भौंकता है, तो दहाड़ता की जगह क्या जाएगा, भौंकता है। तो ये आप लोग इस प्रकार से आप संज्ञा समझ गए होंगे, अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और बाकी अगर सेकंड टर्म में कोई संज्ञा या कोई भी ग्रामर आएगी तो हम आपको फिर एक बार रिपीट कर देंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद बच्चों। बस आपको प्रैक्टिस करना है, कॉपी में नोट वगैरह नहीं करना है।